क्या चाल है, होपफुली सब बढ़िया होगा। अब जो सीज़न एंड होने में यहाँ पे जो है 8 दिन और बचे हैं, एंड अभी #1 के लिए भी मेरे को जो है वो कुछ 700 के आसपास पॉइंट्स चाहिए। सो भी अगर डेली के यहाँ पे 100 पॉइंट्स लेके चलो, अगर डेली के बाई चांस अपन 100 पॉइंट्स कैसे भी करके प्लस कर लेते तो यहाँ पे जो है वो अपना #1 होना पॉसिबल है। अब डेली के 100 पॉइंट्स प्लस करना वैसे तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना इस चीज के बीच में वो है हैकर्स। अब आप लोग को भी पता है कि जैसे यहाँ पे नया अपडेट आता है ना, मुश्किल से मुश्किल भाई यहाँ पे एक दिन तुमको जो है वो हैकर्स नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरे दिन भी यहाँ पे ठीक ठाक हैकर्स यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन से भाई जो हैकर्स आते हैं ना, मतलब हर दूसरे गेम में यहाँ पे एक से दो हैकर्स तुमको देखने को मिल ही जाएंगे। सो अब देखो यहाँ पे जो है भाई अगर कुछ दिन मेरे को हैकर्स नहीं मिलेंगे तो भाई अपन इजीली #1 कर लेंगे, लेकिन देखते यार यहाँ पे हैकर्स ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई तो बात कर लेते हैं रस्की वाले फर्स्ट गेम प्ले की। तो देखो ये वाले मैच में अपन फेरी पेयर वाले साइड पे जो विलेज है वहाँ पे उतरे थे मोस्टली, जैसे कि मैंने बोला कि यही जगह पे मेरे को उतरना पसंद है। अब उतरने के साथ ही अपन अच्छे खासे 5 से 6 किल्स निकाल दिए थे। लेकिन अभी भी यार यहाँ पे बंदे जो है वो तो बिल्कुल भी खत्म हुए नहीं थे, तो अब सबसे पहले तो अपने को पूरा का पूरा एरिया जो था वो क्लियर करना था। पीसी साइड जितने भी बंदे थे उनको मारने के बाद अब सामने की साइड आ जाते हो, एंड यहाँ पे भी मेरे को एक ही बंदा मिलता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मेरे को कोई भी बंदा मिला था नहीं। अब कोई बंदा यहाँ पे कैंप कर रहा था कि क्या सीन था ये तो नहीं पता था, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी के लिए पूरा का पूरा एरिया जो था वो इधर क्लियर हो चुका था। सो उसके बाद तो क्या था यहाँ पे जो है वहाँ से सीधा बग्गी उठाते हैं एंड आ जाते जोन के सेंटर की तरफ। अब पोचिंग की साइड आता हो यहाँ पे जो है स्क्वाड हाउस पे मेरे को एक बंदा मिल जाता है। पहले तो बंदे ने जो है वो खुद से ही भाई फायर करके सामने से मेरे को भाई फाइट करने के लिए बुलाया, एंड जैसे इसके पास फाइट करने आया था तो बंदा जो है वो इधर से उधर भाग रहा था, लेकिन एट द एंड इसको भी यहाँ पे भर दिया जाता है। और फिर क्या था, फिर तो क्या ही करना था, ऑफकोर्स इसको लूटेंगे एंड बग्गी उठा के फिर आई साइड निकल जाएंगे। अब पोचिंग के बाद अपना जो नेक्स्ट टारगेट था वो स्कूल अपार्ट्स की साइड था, लेकिन अब स्कूल अपार्ट्स में तो कोई था नहीं। सो यहाँ पे जो है भाई मैं थोड़ा सा साइड जाता हूँ, यहाँ पे जो है एक बंदा मेरे को मिलता है उसको फिनिश करता हूँ, लेकिन उसी टाइम यहाँ पे भाई कहीं से तो मेरे पे स्प्रे आ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा था वो पता नहीं चल रहा था।
सो घूम फिर के मैं वापस से अपार्ट की साइड ही आ जाता हूँ। एंड हाँ, बंदा जो है वो यहीं पे रहता है। ऑफ कोर्स अपार्ट से तो भाई यहाँ पे कैंप करके कोई ना बैठा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सामने वाले बंदे के पास भी यहाँ पे चाहे वो DBS थी और 50-50 चांस था अगर उसकी गोली मेरे को पहले लग जाती तो मेरी पीटी बनना यहाँ पे पक्का था। लेकिन अभी के लिए जैसे तैसे सर्वाइव करके वहां से थोड़ा सा आई साइड आते हैं, यहाँ पे एक बंदा मिलता है उसको फिनिश करते हैं। और अब उसको फिनिश करके मैं यहाँ से जस्ट निकल ही रहा था कि पीछे की साइड से मेरे ऊपर स्प्रे आता है। अब उस बंदे को ढूंढने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे से आता हूँ वापस से, लेकिन बंदा जो है वो मेरे ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा था एंड इसको मैं जो है वो गलती से सीट चेंज करके मारने का ट्राई कर रहा था। लेकिन ये गलती अब आगे से नहीं करूँगा क्योंकि जब भी मैं किसी को सीट चेंज करके मारने का ट्राई करता हूँ ना, बंदा उतर के ही मेरे को मार देता है। सो अब से भाई ये गलती नहीं करेंगे। बाकी तो भाई मरने के बाद ऑफकोर्स मेरे पास रिकॉल था तो रिकॉल लेके वापस से वहीं पर आता हूँ, अपनी पेटी लूटता हूँ। एंड अब जोन भी आ चुका था तो जोन के अंदर निकलते हैं। अब जोन के अंदर घुसती सबसे पहले तो यार यहाँ पे जो है वो भाई सामने की साइड से मेरे को फायर आता है एंड बंदा जो है वो ऑटो में क्या बोलते हैं M16 चला रहा था, कोई नया मजल या फिर पता नहीं अटैचमेंट आई है जिससे M16 जो है वो ऑटो पे चलती है। इतनी ज़्यादा भी ऑटो पे नहीं चलती, थोड़ा थोड़ा तो अटक अटक के चलती है। सो वो चीज़ यूज़ करने का कोई मतलब तो मेरे को तो नहीं लगता। बाकी आप लोग यूज़ कर रहे हो एंड अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दें। बाकी मेरे को तो भाई ये चीज़ कुछ ज़्यादा जमी नहीं। बाकी दूसरी तरफ अब जोन जो था वो इधर काफ़ी छोटा हो चुका था। एंड जोन तो छोटा हो ही चुका था लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो बंदे भी बहुत कम बचे थे। अब ये बंदे को मारने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी इधर, क्योंकि जिस टाइम पे इसके ऊपर मैंने पुश किया बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, हाफ HP कर दिया था। लेकिन अपने हाथ में DVS थी एंड भाई DVS है तो क्या ही दिक्कत है। जैसे बंदा क्लोज इन करने आता है थोड़ा सा इसको डराते हैं एंड लास्ट में भाई दो ही फटके के साथ सीधा इसको लॉबी भेज दिया जाता है। बाकी अब मैं यहाँ पे जोन के एज पे था तो मैं सोचा कि थोड़ा सा जोन के अंदर जाने का ट्राई करते, सेंटर जाने का ट्राई करते। अब जोन के अंदर घुसते सबसे पहले तो नीचे की साइड जो है वो मेरे को एक स्मोक दिखता है तो मैं वो स्मोक देख के थोड़ा सा आगे की साइड आता हूँ। एंड अब वो बंदा जो है वो तो यहाँ पे जंप करना चालू कर देता है लेकिन मेरे पीछे की साइड जो है एक दूसरा बंदा था जो कि मेरे पे फायर कर रहा था। अब ये बंदा मेरे को पता नहीं दूर से कैसे नहीं दिखा लेकिन जब भी दिखा चलो यहाँ पे बंदा दिखा तो सही एंड इसको भर देते। और अब मेरे को छोड़ के दो और बंदे बचे थे, एक बंदा तो अपना सब्सक्राइबर था लेकिन जो दूसरा बंदा था वो कहाँ पे था इसका कुछ आइडिया था नहीं। अब सेकंड लास्ट बंदा जो है वो यहाँ पे मेरी साइड तो था नहीं, इतना मेरे को पता था। सो मेरे को इतना तो आइडिया था कि बंदा जो है वो इसी साइड होगा। सो ये बंदे को ढूंढने के लिए भाई गाड़ी लेके वहाँ से इस साइड आता हूँ और बंदा जो है वो यहाँ पे ओपन में लेट ही रखा था। सो आराम से उसको भर देते। बाकी ये गाड़ी से कभी कभी बंदे जो है वो कुचले जाते, कभी कभी नहीं कुचले जाते।
तो पता नहीं चलता यार कैसे क्या सीन रहता है, लेकिन अभी के लिए भाई सेकंड लास्ट बंदे को मार के लास्ट वाले बंदे के साथ थोड़ी देर बात बात करके लास्ट में अब हम लोग डिसाइड करते कि हम लोग जो है वो पैन फाइट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यार ये वाली पैन फाइट भी अपन जो है वो इजीली निकाल ही लेते, और ये वाले मैच में शायद से 18 या 19 किल किए थे अपन ने, सो डिसेंट सा प्लस ये वाले मैच में भी मिल जाता है। अब देखो अभी क्यों, अभी कैसा है ना कि यहाँ पे प्लस जो है वो तुमको सिर्फ चिकन पे ही मिलेगा। मैं लिटरली 15, 16, 17, 18, 18 किल के साथ #2 आ रहा हूँ, तो भी भाई मेरे को 10 का ही प्लस मिल रहा है, लेकिन जब चिकन निकाल रहा हूँ उतने किल्स के साथ तो 20 से ज़्यादा का प्लस मिल रहा है। तो अभी अगर आपका कॉन्करर नहीं हुआ एंड कॉन्करर करना ही चाहते हो ये सीज़न, तो पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो चिकन पे रखो, ना कि किल्स पे। बाकी तो बस इधर से गेम प्ले, अगर वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे कहीं से को चैनल सब्सक्राइब तुम्हारी देना, एंड अगर वीडियो सब्सक्राइब से अपने दोस्तों से शेयर कर देना। बाकी तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस। Yeah, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice.